नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आर्टिस्ट कालरा जी हैं और पद्मश्री अवार्डी हमारे साथ सर जी हैं। आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से सर यहां पर आज विवेकानंद के एक प्रोग्राम में आप हाजिर हुए हैं। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। मैं अपने विचार कहने के पहले कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे डिफेंस सर्विसेज, वो लोग 24 घंटे जागते हैं, इसलिए हम रात को आराम से सोते हैं। मैं ग्रेटिट्यूड टू डिफेंस सर्विस। सेकेंड इज कोविड-19 वॉरियर्स, कितना परेशान। 2000 डॉक्टर की जान गई इसमें, तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, स्वामी जी मेरे ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे, मेरा प्रेरणा रहे। स्वामी जी ने कहा कि मेरा भारत देश 21वीं शताब्दी में विश्वगुरु होगा। 1897 सेड आफ्टर 50 ईयर्स माई इंडिया विल बिकम इंडिपेंडेंट। 1897 वी गॉट इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम विश्व गुरु है, आज G20 के प्रेसिडेंट है, विश्व के गुरु है। तो स्वामी जी के बड़ी प्रेरणा मिली। मैं अभी 2 दिन पहले कलकत्ता हो गया, बेलूर मठ होके आया हूँ। रामकृष्ण परमहंस है, इसलिए स्वामी जी है। शारदा माता है, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी है। तो ही रिसरेक्टेड इंडियन रिलीजन। मुझे बचपन से रुचि रही, विकास जी मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे बचपन से रुचि है आपके आर्टिस्ट में, आपके ड्राइंग में। हरियाणा रिंग का बड़ा प्रोमिनेंस है, इनिशियल असेसमेंट है। यू आर यूज ग्रीन कलर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ग्रीन कलर डिपिक्स मेनी थिंग्स। जॉर्ज की जो कलर स्ट्री है, ग्रीन आजकल ज़रूरी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन हुआ। कोविड-19 में पेड़ काटने से हुआ, आपको पता है। तो आपने बड़े अच्छे, ये सारा ऑयल पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है। तो मेरे बचपन से इसमें रुचि रही है, आपने अच्छी तरह से इसका अच्छी तरह से कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको प्रोत्साहन करता हूँ। आर्टिस्ट को समझना बड़ा मुश्किल है, उनके लिए उनका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके विचार बहुत रहते हैं। और वन पिक्चर इज़ बेटर दैन 1000 वर्ड्स, ए वन पिक्चर इज़ बेटर दैन 1000 वर्ड्स। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, डिलीवरिंग ऑन योर सस्टेनेबिलिटी गोल्स। रिसाइक्लिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वन मस्ट टेक केयर ऑफ इट। रिमेंबर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, दैट वी विल मेक द एनवायरमेंट रिचर। तो 5 R के पांडव है ना, इसने हमने 5 R बनाए। आपके मैंने देख रहा हूँ एफिशिएंट कलेक्शंस, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकल, दैट्स वेरी वाइटल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर चंद्रकांत पांडव जी मौजूद हैं। आज हम उनसे मुलाकात में दो बातें, नेशन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए कुछ सर कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहले संदेश के पहले मैं 2 चीज़ करना चाहता हूँ। उनको एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू डिफेंस सर्विसेज, वो 24 घंटे देश की सीमा का प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हम रात को आराम से सोचते हैं। तो ग्रैटिट्यूड टू डिफेंस सर्विस। माई सेकेंड ग्रैटिट्यूड इज कोविड-19 वॉरियर्स। इस युद्ध में 2000 डॉक्टर्स जो गुजर गए, तो उनके परिवार को, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें बड़े गर्व की बात है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें हिंदुस्तान में पैदा हुए, एक गरीब कुटुंब में पैदा हुए, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वो वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट डबल डॉक्टरेट, फर्स्ट इंडियन टू गेट डबल डॉक्टरेट PhD। एंड वो कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, न्यूयॉर्क में। उन्होंने एक लिस्ट निकाली कि पिछले 300 साल में कौन से अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, घटना के प्रमुख कार्य किया, उन्होंने शिल्पकार रहे, शिल्पकार। उस टाइम में जो संविधान लिखा गया था, क्या आज वो चरितार्थ हो रहा है? ऐसा है, कोई भी संस्था, कोई भी आप चीज़ लिखे हो, उसको समय के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति सुधर जाती है। तो संविधान शुड बी रिस्पॉन्सिव टू दैट एंड ही कैप दैट फ्लेक्सिबिलिटी। नोबडी इन द वर्ल्ड कैन राइट अ फाइनल बुक। इवन रामायण महाभारत, पीपल हैव देयर ओन कमेंट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो संविधान इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू द करंट एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिकल नीड्स। आज हमें G20 की अध्यक्षता मिली हुई है और हमारा देश जो है G20 की प्रेजिडेंसी करने जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको?
मुझे बहुत गर्व हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जैसे मैंने पहले बताया 1897 ही सेड कि 50 साल के बाद मेरा देश आज़ाद होगा, 1897 प्लस 50 1947 एंड ही सेड इन द 21st सेंचुरी मेरा भारत विश्व गुरु हुआ, G20 के हम प्रेसिडेंसी हो गई। दिस इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेशन दैट भारत अभी विश्व गुरु बना है। लेकिन एक चीज़ है, हमारे कल्चर में हमारे संस्कृति निकाय के वसुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए और एक ऐड करूँगा, वन हेल्थ। आज़ादी का अमृत महोत्सव काल मनाया जा रहा है, जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो क्या लगता है कि जो हमारे देश में आज भी 1947 से लेके 2023 चल रहा है, इसमें भी आज भी बच्चियों के साथ रेप मर्डर हत्या हो रही है, एक बच्ची को यह 4 किलोमीटर घसीटा गया, तो ये सिलसिला कब रुकेगा? क्या जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो क्या उस दिन जो है आप पूरे भारत को इस तरह से देख पाएंगे कि बच्चियां बिल्कुल अच्छा से घूम सकेंगी, एजुकेशन पूरी मिल पाएगी, हेल्थ जो है सभी फिट इंडिया हो जाएगा? ये सब जो आप कह रहे हैं बच्चों के साथ जो व्यवहार है बिल्कुल घृणास्पद है, बहुत घृणास्पद है, शर्म आनी चाहिए। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ नेचर, उनकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज है। तो मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली जो प्रगति हुई है 2014 से हुई, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सारा हिंदुस्तान में बदल हुआ है, तो उन्हीं के नेतृत्व में हम चाहते हैं, हम 25 साल नहीं रुकेंगे, अगले 5 साल में सब ट्रैक में लाना चाहिए। तो बच्चों का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि उनका बचपन उनसे नहीं रुकना चाहिए, उनकी देखभाल। आफ्टर ऑल चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, और देश के प्रीति के लिए देश को आगे बढ़ना है तो बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। चाइल्ड नेम इज़ टुडे, उसके लिए हमें आज का कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट टाइम नई शख्सियत के साथ फिर एक बार भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय मराठा, जय वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, लेकिन सबका एक ही भगवान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जयपुर का यहाँ पर पूरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल में एग्जीबिशन लगा हुआ है, जो हस्तशिल्प कलाकार हैं, आइए हम उनसे आपकी रूबरू कराएंगे, पहले आप देख लें कि किस तरह से वो काम करते हैं और हमें अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के जो इनके बनाए हुए चीज़ें हैं, जैसे वस्त्र हो गया, तो इनको हमें प्रयोग करना है और विदेशों में पैसा जाने से रोकना है। तो आइए हम अभी आपकी मुलाकात जो है हस्तशिल्पकार से कराएंगे। वो हमारे बीच बाऊबंदी जी हैं, हस्तशिल्पकार हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं इन्हीं की लगाई हुई एग्जीबिशन है भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, ये प्रोग्राम चल रहा है। आइए हम इनसे दो बातें करते हैं, बताएंगे कि किस तरह से हर आदमी को इंडिया में बने वस्त्रों का, इंडिया में बने हर चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। सोनू जी हस्तशिल्पकार हैं, पीछे आप देख रहे हैं कि इन्हीं के बनाए हुए कपड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि जब भी इस तरह का ये हस्तशिल्पकार अपने ये आम जनता के लिए कपड़े बनाते हैं तो कैसा लगता है, और क्या लगता है आपको कि हमारे कपड़े बिक जाएंगे, हमारी मेहनत जो है मिल जाएगी? अच्छा है, अगर देश विदेशों में हमारे कपड़े जाएंगे तो, और उनको भी अच्छा लगे पहने, ये हमारे देश के कपड़े हैं, ये हमारे देश में पहना जाए इनको तो अच्छा रहेगा, देश विदेश में जाएंगे। हाँ, मतलब हमें अपने ही बनाए हुए कपड़े पहनने चाहिए, हिंदुस्तान में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके कपड़े जो हैं लोग पहने और उनको लगे कि हाँ हम अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कितनी मेहनत लगती है एक कपड़ा को डिजाइन करने में, उसको इतना मेहनत करने में कितना टाइम लग जाता है? लगता है, मैंने तो बहुत मेहनत लगती है, पहले घान रंगते हैं, फिर कलर करते हैं, डाई करते हैं, उनको सुखाया जाता है। तो ये जो आपके कपड़े हैं उनमें जैसे धोने के बाद का रंग फीका तो नहीं पड़ जाता? नहीं पड़ता, मतलब बिल्कुल जो आप बनाते हैं जिस तरह से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं उसी तरह का लगभग आप बनाते हैं? होता है, वो नेचुरल है, अच्छा है। तो कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं,
इतनी पीढ़ियां आपकी ये काम करती आ रही है, पीढ़ी तो बहुत पहले से चल रही है। खुशी होती है जब इस तरह से जो है आप अपने हमारे हिंदुस्तान में हर चीज़ को बढ़ावा देते हैं। ये मसाले भी आपके बनाए हुए हैं। हाँ। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में मसाले जो आप पीछे देख रहे हैं, हम मसालों में हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। तो हमें क्या करना है कि अपने देश में बने हर चीज़ का प्रयोग करना है, ताकि बेचारे ये लोग जो हैं जितनी मेहनत करते हैं इनको उस मेहनत का मेहनतनामा मिलना चाहिए। आप पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, जबकि आप ओरिजिनल में देखेंगे तो आपको और लगेगा कि हमारे देश के जो शिल्पकार हैं किस तरह से मेहनत करते हैं। लेकिन हम विदेशों की तरफ भागते हैं, हमें अपने भारतवर्ष में यूज हुए हर चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। हिंदुवासियों को जानना होगा, तभी हम मोदी जी के जो डिजिटल इंडिया बनने का सपना है उसको पूरा कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।